बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ईशान यकूब। टुडे वी विल टॉक अबाउट वेक्टर ऑपरेशंस टू। आज के लेक्चर के अंदर हम वेक्टर ऑपरेशंस टू वाला हिस्सा पढ़ेंगे, जो कि हमने वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे थे। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू वैक्टर टू गेट यू कैन से vector quantity, scalar quantity and all these things. And in this second operations scheme, in vector operations 2 portion, we will discuss about the multiplication of three vectors. So this topic is related to our course Fundamentals of Mechanics, PHY 301, BS Orthotic and Prosthetics, first semester morning for the fall 2021. In the last lecture, we have discussed about our vector operation 1 course, which is related to the vector multiplication, scalar multiplication, and especially we focused upon the two types of the product, dot product and the vector product. We have discussed about the characteristics of the dot product and as well as vector product. उसके अलावा हमने इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ा था, फिर हमने इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स को देखा था। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर ऑपरेशंस टू, व्हिच इज इंक्लूडेड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब इस दफ़ा हम लास्ट टाइम दो तरह के वैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था, इस दफ़ा हम तीन वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है, वैक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। तो उसके डिपेंड करते हुए वी कैन हैव स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वी कैन हैव वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों स्कीम्स को पढ़ेंगे कि जिसके अंदर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो सकता है और तीनों वैक्टर्स का आंसर जो है वो वैक्टर भी हो सकता है, और उससे रिलेटेड सैम्पल प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करेंगे। सो how we can multiply the vectors, three vectors, so that unka kabhi answer scalar ho, kabhi vector ho, it depends upon the situation. आइए उनको step by step पढ़ते हैं। जो सबसे पहली situation है कि वो ये है कि आपके पास तीन vectors हैं और उनको आप इस तरह से multiply करें कि आने वाला जो product हो वो आपके पास क्या हो जाए जी, scalar quantity हो, तो आप उसे scalar triple product कहेंगे। The product of three vectors which gives the scalar quantity is known as scalar triple product. So suppose that we have three vectors A, B and C which are given as, हमने तीन वेक्टर जो है वो अपनी तरफ से ले लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सिम्बॉलिकली हम इसको रिप्रजेंट कर रहे हैं ए के साथ, और उसके कंपोनेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज यू कैन सी ये ए एक्स कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट है और ये ए जी कंपोनेंट है। सिमिलरली वी हैव बी वेक्टर, बी एक्स कंपोनेंट, बी वाई कंपोनेंट एंड बी जी कंपोनेंट। और ये आपके पास थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, सी एक्स कंपोनेंट, सी वाई एंड सी जी कंपोनेंट। आपको ये भी याद होगा कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कौन से हैं, थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स हैं और इनके तीन टाइप्स हमने ली हुई हैं, सॉरी थ्री टोटल वेक्टर लिए हुए हैं जो कि इसके बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो हम ये करना चाह रहे हैं कि इनको किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई किया जाए कि जो आने वाला आंसर हो वो आपके पास क्या हो जी, स्केलर क्वांटिटी हो। हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि ये हमारा पहला वैक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वैक्टर है और ये हमारे पास तीसरा वैक्टर है। तो इन दोनों का, इन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है कि आने वाला जो आंसर है वो आपके पास क्या हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी हो। कॉमन सेंस तो ये कहती है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि पहले तो एक तरीकाकार ये है कि आप डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड कर, वो आपको क्या देता है जी, डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा डॉट ऑपरेशन जो है ए डॉट बी वो आपको देता है जी स्केलर क्वांटिटी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन तीनों वेक्टर्स पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ज़रा सोचिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि वी आर अप्लाइंग ए डॉट हेयर लाइक दिस, बी डॉट सी, ठीक है जी, ये आपके पास ये भी डॉट है और ये आपके पास सी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, ए डॉट बी डॉट सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बी डॉट सी तो आपके पास क्या हो गया जी, वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर, वी हैव एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी, तो इनका आंसर क्या होगा जी, स्केलर होगा। तो ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है
और ये क्या है आपके पास, ये क्या रह जाएगा, वेक्टर। तो वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा जी, वेक्टर। तो इसका मतलब हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो तीनों को अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है कि हमारे पास एक तो क्लियर कट हो गया कि डॉट जो है वो इन तीनों के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपने कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार करना है कि ये वाला हिस्सा जो है वो बी डॉट सी जो स्केलर हो गया वो किसी तरीके से वेक्टर आ जाए। ये तभी आ सकता है अगर आपके पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डॉट की बजाय क्या आ जाए, क्रॉस आ जाए। सो द बेस्ट वे इज कि आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ए का डॉट ही रहे। ओके जी, ये डॉट है हमारे पास, और ये क्या हो, बी क्रॉस सी हो जाए। तो अब आप अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो क्वाइट इजी भी है और डिफरेंट भी है। किस सेंस में, जरा देखिएगा, बी क्रॉस सी आपको क्या दे रहा है, सम एन अदर वेक्टर, यू कैन से एन वेक्टर, फॉर एग्जांपल एन वेक्टर, जो आपके साथ ए के साथ क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट बना रहा है। डॉट प्रोडक्ट लेने से ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ रहा है, स्केलर वैल्यू। सो दिस कैन बी टेकन एज कि आप अगर तीन वेक्टर जो है उनका अगर आपस में स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो कंडीशन ये है कि आपके पास दोनों में से एक के लिए क्या होना चाहिए, आपको एक क्रॉस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए जी, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उस हवाले से आप तीनों क्रॉस लेंगे तब भी ठीक नहीं है, दोनों डॉट ले लेंगे तब भी ठीक नहीं है, तो उस हवाले से एक क्रॉस प्रोडक्ट ही ना हो चाहिए दो के दरमियान, और आने वाला आंसर जो है उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसी बात को हमने अपने इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यूँ लिखा हुआ है। तो ए डॉट बी, अभी की डिस्कशन से हम ये भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी हमें क्या दे रहा है, स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू बन रही है, स्केलर वैल्यू बन जाती है, और उस स्केलर वैल्यू की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट कहलाएगा वो स्केलर होगा। और ये जो है आपके पास, ये स्केलर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है और ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अब जो नेक्स्ट हम करना चाह रहे हैं वो स्केलर प्रोडक्ट का मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप करना चाहते हैं कि अगर हमें ए डॉट बी क्रॉस सी है तो ओवरऑल जो आंसर होगा अगर हम पुराने वेक्टर्स वाली फॉर्म लगाएं तो वो किसके बराबर होगा। तो लेट्स सपोज दैट कि ए, सबसे पहले हम बी क्रॉस सी कंप्यूट करेंगे। बी क्रॉस सी कंप्यूट करना बहुत ईजी है, आपने लास्ट लेक्चर में बहुत पहले वेक्टर ऑपरेशन वन में सीखा था कि आप आई जे और के डिटरमिनेंट फॉर्म के सॉल्व कर सकते हैं, बी एक्स बी वाई बी जी, सी एक्स सी वाई सी जी कंपोनेंट के साथ। आप इसको आई के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंड किया था, जब हम आई के हिसाब से एक्सपेंड करते हैं तो बी वाई सी जी माइनस सी वाई बी जी आ जाता है। सो वी हैव दिस शॉर्टेंड फॉर्म, दिस शॉर्टेंड फॉर्म एंड दिस शॉर्टेंड फॉर्म। इनको हम कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं कि ये वाला आपके पास शॉर्ट फॉर्म रह गई है वेक्टर की, फिर आपने जब जे लेना होता था बी एक्स सी जी आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस के निशान भी हमने लास्ट टाइम सिंबल्स को भी स्टडी किया था। नेक्स्ट जो है वो ये है कि बी क्रॉस सी निकाल लिया आपने, ये आपके पास बी क्रॉस सी आ गया। ये सारे का सारा बी क्रॉस सी जो है इसको आपने किसके साथ पुट कर दिया जी, यहाँ पे ए डॉट, तो दिस इज आवर ए वेक्टर, और ये आपके पास क्या जी, बी क्रॉस सी, तो इनके दरमियान क्या जी, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये आई डॉट आई क्या हो जाएगा जी, वन, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन होगा, उसके बाकी अलावा जितनी टर्म है वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। सो वी हैव हेयर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आई डॉट आई, तो ये ख़त्म, ए एक्स इसकी जगह पे चला जाएगा। ओके जी, तो ए वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये सारी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो इस दफ़ा ये वाला जो डिटरमिनेंट हमने बनाया था आई जे के बी एक्स बी वाई बी जी सी एक्स सी वाई सी जी, इसकी जगह अब आपके पास क्या आ चुका हुआ है, आई की जगह ए एक्स आ गया, जे की जगह जी ए वाई आ गया है, और ए सी की जगह आपके पास क्या आ चुका हुआ है जी, सॉरी, के की जगह आपके पास ए जी आ चुका है। तो अगर आप इसको दोबारा से
एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो आप आई जे की के बजाय क्या लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जी। तो हमने भी यहाँ पे यही काम किया, हमने आई जे को रिप्लेस करके ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी और सी एक्स सी वाई सी जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी, ए डॉट बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, सी एक्स सी वाई सी जी की फॉर्म लिखा जा सकता है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला यूँ लगाया जा सकता है। इसके अंदर गौर तलब बात यह है कि किसी किस्म की कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, जस्ट कंपोटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का लेके डिटरमिनेंट बना दें, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जी डायरेक्शन, तो उस हवाले से ये सारे के सारे क्या कंप्यूट किए जा सकते हैं। So similarly, we can say here that in a very compact way, if you have three vectors, as you can see here A, B, C, और आपको ये compute करने के लिए कह दिया जाता है, तो आपने इसको मुकम्मल तौर पर expand नहीं करना, बल्कि आपने इस formula को लिख के expansion करनी है जी, determinant बना देना है, और determinant को expand करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसका हमेशा जब भी आंसर निकाला जाएगा तो वो क्या होगा, स्केलर वैल्यू होगी। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट है। सो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के हवाले से देखा जाए तो यस, स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है दैट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्डर, वो ये है कि आपके पास ए बी और सी जो है, तो अभी तो हमने ये पढ़ा है कि आप ये लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, बट क्या हम इसके ऑर्डर को रिप्लेस कर सकते हैं? तो यस वी कैन रिप्लेस इट्स ऑर्डर इफ वी वांट टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ आई जे के। तो ये आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ये आपके पास मेमोरी एड के तौर पे, कि अगर आपने एक जो ओरिएंटेशन आपने फिक्स कर ली आई जे के की, वही चलाते जाएंगे तो उसके मुताबिक ऑर्डर क्या है वो रिप्लेस होता जाएगा। सो इफ यू नोटिस दैट इफ ए आई एम टेकिंग आई एज अ ए, जे एज अ बी एंड सी एज अ के, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों वेक्टर्स की आपस में क्या की जा सकती है, रोटेशन की जा सकती है। यू कैन से ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए लिखा जा सकता है, या फिर आपके पास क्या होगा सी डॉट ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में अगर डॉट के हिसाब से ऑर्डर नहीं चलाना चाहते तो किस हिसाब से होगा, क्रॉस के हिसाब से। तो यू कैन से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी डॉट सी, B क्रॉस C डॉट A हो सकता है, और इसी तरह से C क्रॉस A डॉट B जो है, ये भी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, और ये आंसर सेम रहेगा सबका। और डॉट के हिसाब से भी जैसा कि हमने डिस्कस किया है, आपकी तरतीब पे डिपेंड करता है कि आप इसको A डॉट B के हिसाब से चलाना चाहते हैं या फिर B क्रॉस C के हिसाब से। तो इफ़ यू हैव A डॉट B क्रॉस C तो इट इज़ A डॉट B क्रॉस C, ये होगा जी बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा, और इसी तरह ये आपके पास है जी सी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो उस हवाले से आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हवाले से ये सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप सॉल्व की जा सकती हैं। सो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए डॉट बी सी के ऑर्डर को वही साइक्लिक वे के अंदर चेंज कर सकते हैं, और उससे आपकी किसी भी किस्म की अपना वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव ही रहेंगी। अगर आप इस ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं तो उस वाले से आपका जो आंसर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड फिर भी सेम रहेगी। सो द फिजिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट कि ए क्रॉस जो बी होता है आमतौर पर वो हमें क्या देता है, वो हमें एरिया दे रहा होता है, और वो एरिया दे रहा होता है कि अगर आपके पास ये सब ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये आपको क्या देगा, ये आपको वॉल्यूम दे सकता है। बिकॉज नाउ फॉर दिस टाइम If we are taking the direction vector, तो उस हवाले से आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये एक तीन लेंथ बन सकती हैं, और तीन लेंथ और तीन साइड्स के हवाले से आपके पास क्या लिया जा सकता है, वॉल्यूम लिया जा सकता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ऑफ अ वैक्टर ए बी एंड सी इफ द ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस कैन बी सीन इन कंसीडरिंग द पैरेललोपिप्ट डिटरमाइंड बाय द वैक्टर ए बी एंड सी। सो एज यू कैन सी हियर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये जो बेस थी इसको हमने पैरेललोग्राम कहा था। पैरेललोग्राम स्क्वायर ही होता है बट थोड़ा सा टिल्डेड फॉर्म में, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर कि हम यहाँ पे पैरेललोग्राम जो है वो बना रहे हैं। इसके अंदर आपके पास सिचुएशन जो है वो ये है कि
एक सेकेंड, यस वी हैव हियर दिस वे, कि आपने स्क्वायर की तरह परपेंडिकुलर लाइंस नहीं ड्रॉ करते बल्कि साइड्स के ऊपर ये टिल्टेड होती हैं, तो दिस फिगर इज नोन एज पैरेललोग्राम। अगर यही फिगर हम थ्री डायमेंशन में बनाते हैं तो इट विल लुक्स लाइक दिस वे, तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है। तो इसकी बेस जो है, फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग इट अ बी एंड सी, तो बी एंड सी का जो ये वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए बी क्रॉस सी, तो इट विल गिव यू द अनदर वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन में अगर एक ही डायरेक्शन ली जाए तो इट विल गिव यू द वॉल्यूम साइड हेयर। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि जो बेस है वो पैरेललोग्राम की वो ए बी क्रॉस सी है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी, जो नया रिजल्टेंट वेक्टर बना है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका और ए का आपस में क्या हो, एंगल थीटा हो, तो आप उसके इन द डायरेक्शन ऑफ वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट निकल आएगी, ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो उस वाले से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं ए एच इज इक्वल टू बी क्रॉस सी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड दिस ए डॉट बी क्रॉस सी इज नोन एज स्केलर टिपर प्रोडक्ट। तो उस वाले से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किसी भी पैरेललोग्राम का जो है वो डिफरेंट शेप्स के हिसाब से क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया है। तो ये इसके फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट द फॉलोइंग, दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी कंप्यूटेड बाय द स्केलर टिपर प्रोडक्ट, और ये इस हिसाब से प्रूव किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पैरेललोग्राम वी having its base parallelogram determined by the A, B and C, तो ये वाली जो है figure इसके अंदर हमने इसका base ली थी B and C। तो जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने इसके order को change किया था, A dot B cross C किया था, फिर हमने कहा था जी B dot A C cross A हो सकता है ये सारा कुछ, तो इस दफ़ा इसकी बेस भी चेंज की जा सकती है, वो A B के हिसाब से भी लिखी जा सकती है, तो A dot B क्रॉस सी कैन बी रिटन एज सी डॉट बी क्रॉस ए, तो ये भी आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, और ये वही वाले मेथड होगा जिसके साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले काम किया कि वी आर कंसीडरिंग हियर ए, वी आर कंसीडरिंग हियर बी एंड वी आर कंसीडरिंग हियर सी, तो वो ए बी और सी के हिसाब से ये आपस में अपनी रोटेशन चेंज करते जाएंगे। वैसे वैसे पैरेलल पिपेट की जो है बेस चेंज हो सकती है, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम जो है ओवरऑल सेम ही रहेगा। So we can say here के इनके ऊपर डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो उस हवाले से आपके पास क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज ए बी डॉट सी, तो उस हवाले से ये भी सेम रहेंगे। द नेक्स्ट टास्क इज सपोज डेट ए बी एंड सी आर द गिवन कंपोनेंट्स फॉर्म, तो अगर आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में दे दिया जाए, वैक्टर ए दे दिया है इसने, वैक्टर बी दिया हुआ है यहाँ पे हमें, और वैक्टर सी दिया हुआ है, then we can also compute them as a dot b cross c, तो वही determinant method आएगा, तो आप directly लिख सकते हैं इसके ऊपर कि you can write the situation as a into b to b three b c to c three, जो कि किसके बराबर होगा जी, इस पूरे determinant के method के बराबर जो कि हमने start में ही compute किया है। तो आप इसी form को दोबारा से retrace कर सकते हैं in terms of a one a two a three b one b two b three and c one c two c three, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बिकॉज लास्ट वाले हिस्से के अंदर हमने ए एक्स ए वाई ए जी लिखा था, यहाँ पे उन्होंने 1 2 3 लिखा है, बाकी सारी चीजें सेम है। सो स्केलर ट्रिपल पॉड जो है वो को प्लेनर वैक्टर्स के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, वो ये है कि आपके पास ऐसे वैक्टर्स का भी पता लगाया जा सकता है जो कि को प्लेनर होते हैं या नहीं होते, इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि अगर वो सारे स्केलर प्रोडक्ट का जो आंसर है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर इन सब का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इस तरह के वेक्टर्स क्या कहलाएंगे जी, को प्लेनर कहलाएंगे। अगर वो आंसर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सॉरी तो ये आपके पास क्या है जी, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, बिकॉज हर एक की जो प्लेन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो उस वाले से ये अगर जीरो है तो इट इज कॉल्ड द कोप्लेनर, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज कोप्लेनर
कोप्लेनर। तो ये सेंस के अंदर हमारे पास जो है वो वेक्टर जो होगा वो तीनों वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन पर लाए कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो नॉन जीरो बनता है तो इट विल बिकम दी नॉन कोप्लेनर। सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस वन। आपको ये भी किया जा सकता है कि तीन वेक्टर दे दिए जा सकते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि आप क्या बताएं कि ये कोप्लेनर है या नहीं है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर उसने कहा है कि यूज दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहली बात तो है वो कहता है कि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, फिर वेक्टर दिए हुए हैं और इस दफ़ा वेक्टर्स को कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है फॉर ए बी एंड सी, और उस हवाले से उनको हमने सेम प्लेन के अंदर चेक करना है कि वो लायक करते हैं या नहीं लायक करते। तो उस हवाले से हमारे पास ये सिचुएशन होगी। अब 1, 4, -7 से मुराद है एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन, या दूसरे अल्फाज में आप इसे ए वन भी कह सकते हैं, ए टू भी कह सकते हैं और ए थ्री भी कह सकते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात होगी कि ए वेक्टर है तो इट विल बी लिखना है ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, जी सी वन सी टू सी थ्री। सो वी हैव हेयर 1, 4, -7, 2, -1, 4, 0, -9, 18। तो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है। ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वे। आपने अगर वन के लिए सॉल्व करना है तो ये प्लस आएगा जी वन, और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -18, -18, और ये आपस में किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी, -36। तो ये आपके पास पहला हिस्सा होगा जी, -18, के साथ फिर -36 है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 36 बन जाएगा। तो आपने इसका पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया वो है जी 36 -18, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, 1 को वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये 36 -18 है। अब यू कैन सी हियर इन दिस स्लाइड वी हैव द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट, हमने इसको एक्सपेंड किया हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले को सॉल्व किया -18 और +36, तो 18 आंसर आ गया, फिर 36 -0 तो ये 36 ही रह गया, -4 वैसे का वैसे, फिर अगेन -7 है यहाँ पे और -18 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो उस वाले से आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये सारा आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये क्या आएगा, एंड रिजल्ट 0 आ गया। 0 शोज डैट कि ये जो वेक्टर्स हैं तीनों के तीनों ये एक ही प्लेन पर लाए करते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे कि ये आर दीज वेक्टर्स आर द कोप्लेनर। और यहाँ पे यू कैन सी है कि इन सब का आंसर 0 आया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि दीज थ्री वैक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वैक्टर्स, ठीक है नहीं। तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो सपोज अगेन दैट कि ऐसा प्रोडक्ट तीन वैक्टर्स का जो आपको क्या दे आंसर हमेशा एक, सॉरी कि वो कौन सी क्वान्टिटीज है, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी दे। तो यहाँ पे ज़रा ये चेक कर लें कि इट इज़ कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ कॉल्ड क्या होगा जी, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। एज यू कैन सी है कि आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, तो जो सो इट विल गिव यू द वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी किस तरह बराबर होगी, अगेन वी हैव थ्री वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और हम इन तीनों को इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या फिर कहें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, इट विल फॉलो दिस फार्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बिकॉज ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी इसका जवाब, और आने वाले का जो भी जवाब हमें वेक्टर चाहिए तो हम इस दफ़ा दोनों दफ़ा क्या पुट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पुट कर सकते हैं। इस वजह से वी कैन से ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी वेक्टर, तो ये स्केलर वैल्यू होगी, ये वेक्टर रहेगा, माइनस ए डॉट बी, ये भी स्केलर हो जाएगा और सी वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी हो जाएगा। कुछ लोग जो है फार्मूला को याद करने के लिए कुछ यूँ लिखते हैं कि ए ने सबसे पहले ऑपरेशन करना सी पे, तो ए डॉट सी रह जाएगा, बी बच गया तो ये वैक्टर एज के साथ आ जाएगा माइनस। अब ए और बी डायरेक्ट आपस में रिलेट हो रहे हैं तो ये ए डॉट बी, और सी बच गया तो ये साथ में आ जाएगा, तो ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वेक्टर फार्मूला है कि तीन वेक्टर्स अगर इस फार्मूला के मुताबिक मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो उनका आंसर हमेशा वेक्टर होगा, और इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं।
इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए जो बहुत सारी जो है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है एज अ लिटिल बिट होमवर्क के तौर पे भेज दूंगा, तो ताकि आप लोग जो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और उन कॉन्सेप्ट को मैच कर लें ताकि आपकी थोड़ी सी लर्निंग हो सके। इन द नेक्स्ट लेक्चर जारी बात है मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा आपके लिए नहीं है क्योंकि आप लोग मेडिकल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हम अपनी डिस्कशन को मैथमेटिक्स के वाले से यहीं पर रोकेंगे। हालांकि इसके अंदर और सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो वी विल डिस्कस अबाउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट मोशन, ट्रांसफर मोशन के बारे में देखेंगे, गवर्निंग लॉज जो मोशन के लिए एक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, डिस्कशन है, तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, आप रूम मीटिंग के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से क्वेश्चन और डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।